बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम CBSE इंटर कॉलेज सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट CBSE स्कूल CCTV सिक्योर कैंपस GPS एनेबल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम गोल्फ कोचिंग स्टेम प्रैक्टिस स्कोरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स एंड मेनी मोर एडमिशन ओपन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और इस वक्त आई इंडिया पर आ रही अहम खबर, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अपने नए जिला अध्यक्ष का इंतजार कर रही थी। जिस तरीके से धड़ाधड़ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल अन्य जिलों में जिला अध्यक्ष की सूची जारी कर रहे थे और सीतापुर का नाम अटका हुआ था, उसको लेकर तमाम लोग वाहपोह की स्थिति में थे। चूंकि नगर निकाय के चुनाव हैं और बिना जिला अध्यक्ष के चुनाव कैसे हो पाए, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। इस बीच जिला अध्यक्ष को लेकर तमाम लोग लाइन में लग गए और वो भी जिला अध्यक्ष बनने की लाइन में थे। और इनमें से एक बड़ा नाम समीम कौशर सिद्दीकी का आया, जो जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। वो भी चाह रहे थे कि उनकी जिला अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी हो जाए। इसके अलावा जो नाम आया वो अशोक यादव का नाम आया, जो प्रसपा के जिला अध्यक्ष रहे। जब चाचा शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ आए, तो चूंकि अशोक यादव का सीधा जुड़ाव कहीं ना कहीं शिवपाल यादव से है, उनके जरिए वो भी जिला अध्यक्ष बनना चाह रहे थे। युवा थे और वो चाहते थे कि इस बार उन्हें बागडोर मिले। इसी बीच एक और नाम आ गया महेंद्र यादव का, वो भी जिला अध्यक्ष बनने की लाइन में आ गए। बताते हैं कि तीन नामों का एक पैनल भेजा गया, जिसमें छतपाल सिंह यादव जो निवर्तमान जिला अध्यक्ष थे, समीम कौशर सिद्दीकी जो पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, और प्रसपा के जिला अध्यक्ष रह चुके अशोक यादव का नाम लखनऊ भेजा गया। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले एक सूची जारी हुई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सीतापुर के सपा जिला अध्यक्ष की नाम की घोषणा कर दी है, यानी फिर से मनोनयन कर दिया है। और इस नाम को जानने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक हैं। अब हम आपको बताते हैं, दरअसल इस बार सपा ने जिन्हें जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है, वो पाँचवीं बार जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं और वो पुराना नाम है, यानी छतपाल सिंह यादव, जो पांचवीं बार सपा के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिन्हें सपा की बागडोर एक बार फिर से सौंपी गई है। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि छतपाल सिंह यादव कब कब सीतापुर के जिला अध्यक्ष सपा के रह चुके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, सबसे पहले छतपाल सिंह यादव 2001 में सपा के जिला अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 2007 में वो जिला अध्यक्ष बने, फिर 2016 में उनकी ताजपोशी हुई जिला अध्यक्ष के पद पर, और फिर 2019 में उन्हें फिर एक बार जिला अध्यक्ष बनाया गया, और अब 2022 में फिर एक बार छतपाल सिंह यादव को सीतापुर में सपा की कमान सौंपी गई है। छतपाल सिंह यादव और जिनके जिला अध्यक्ष रहते, पुराना इतिहास देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने सीतापुर में झंडा भी गाड़ा है, लंबा चौड़ा अनुभव है उनको संगठन का। और एक बार फिर से सपा मुखिया ने अपने पुराने दिग्गज को पार्टी की कमान सौंपकर फिर से एक बार समाजवादी पार्टी का सीतापुर में झंडा गाड़ने की तैयारी की है। आपको बता दें कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, खराब प्रदर्शन के बाद प्रदेश कार्यकारिणी को समाजवादी पार्टी ने भंग कर दिया था। उसके बाद नए जिलाध्यक्ष के मनोनयन को लेकर तमाम प्रयास हो रहे थे, तमाम कसरत हो रही थी, और इस बीच ये अहम खबर आई कि छतपाल सिंह यादव को समाजवादी पार्टी ने फिर एक बार सीतापुर के सपा जिलाध्यक्ष पद की कमान सौंप दी है। अब इन्हीं के नेतृत्व में फिलहाल चुनाव निकाय का भी होने वाला है, और आगे चलकर उम्मीद ये है कि 2024 चुनाव भी इन्हीं के नेतृत्व में होगा। इस बीच छतपाल सिंह यादव ने आई इंडिया से एक दिन पहले ही बातचीत की थी, जिसमें कहा था कि निकाय चुनाव को लेकर इस बार समाजवादी पार्टी सीतापुर में बेहतर प्रदर्शन करेगी और प्रत्याशियों
का जो पैनल है उसका चयन कर लिया गया है पार्टी के अंदर और उसको प्रदेश मुख्यालय को भेज दिया जा रहा है, जहां से नामों की घोषणा बहुत जल्द कर दी जाएगी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।